हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ही होंगे, भगवान की दया से हम भी ठीक ही हैं। तो भाई सबको गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 6, मैं उठ ली हूँ, बच्चे उठ लिए हैं। तो अब मैं चलती हूँ बाथरूम की तरफ, क्योंकि ब्रश करनी है, फ्रेश होना है। सबका यही रूटीन होता है मॉर्निंग में, मेरा कोई अकेले का रूटीन नहीं है। तो जिनके बच्चे छोटे होते हैं और वो स्कूल जाते हैं, तो उनको थोड़ी सी और जल्दी उठना पड़ता है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में सबकी स्पीड बढ़ जाती है काम करने की। तो ये देखो भाई, मैं भी ब्रश स्पीड में कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे किचन में जाना है, काम करना है किचन का। तो ये मैं अपना फटाफट मुँह धो लेती हूँ। मुँह धोने के बाद ये देखो भाई, बिंदी मेरी उतर के कहाँ चिपक गया, वो तो मुझे कैमरे में ही पता लग गया, नहीं तो पता नहीं कब से कहाँ कैसे चिपकी रहती है। तो उसके लिए सॉरी। तो जो बीच का व्लॉग था उसके लिए भी सॉरी जी। मेरा बीच की जो क्लिप थी वो ना डिलीट हो गई है, जो मैंने बच्चों का नाश्ता बनाया था और तैयार किया था, स्कूल गए हैं बच्चे, तो उसके लिए सॉरी। ये मैंने लिए हैं उसके बाद आलू और गुड़। आलू को मैंने टोकरी में रख दिया है और गुड़ को तोड़कर मैं डिब्बे में डाल दूँगी, जिसमें खाने में आसानी होती है। तो ये फिर मैं आ जाती हूँ अपनी किचन में। किचन में जैसे हमारा नाश्ता पानी हो ही गया था, तो उसके बाद बारी आती है किचन की, गैस साफ करने की, बर्तन वगैरह जो साफ़ करने होते हैं वो। तो जो हम पराठे या खाना बनाते हैं, रोटी, तो उसका आटा वगैरह हर चीज़ गैस पर लग जाती है। तो ये मैं कर रही हूँ गैस की सफाई, किचन के जो स्लेब की, तो कई बार पोचा लगाना पड़ता है। ये तो नहीं है कि एक बार से ही गैस साफ़ हो जाती है, या स्लेफ या जो लेंटर बोलते हैं उसको। तो ये किचन की साफ़ सफाई का अहम हिस्सा होता है, क्योंकि हम सारा दिन इसी पे खाना रखते हैं, बनाते हैं, यूज करते हैं, तो इसको कई बार साफ़ करना पड़ता है। तो ये मैं फटाफट कर देती हूँ अपने किचन के स्लेब को साफ़, क्योंकि अब मैंने साफ़ कर दिया बर्तन करने के बाद, फिर एक बार फिर साफ़ करूँगी अच्छी तरह से। तो ये मैं अपने बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में इतना काम हो जाता है, मुझे कई बार खुद पता नहीं रहता है कि कौन सा काम कब कैसे करूँ। तो ये मैं जल्दी जल्दी अपने बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद और काम करूँगी। क्योंकि हेल्पर लगी होती है तो थोड़ा सा ये आस होती है कि चलो कोई नहीं, हेल्पर आएगी उससे करवा लेंगे। नहीं, मैं अपना जो डेली का काम होता है वो मैं खुद अपने आप ही करती हूँ, मैंने कोई हेल्पर नहीं लगा रखी है। हाँ, कई लोगों के कमेंट होते हैं कि आप हेल्पर क्यों नहीं लगाते, भाई जब तक शरीर चल रहा कर रहे हैं। तो ये देखो भाई, स्पीड मैंने यहाँ पर है ना थोड़ी सी बढ़ा दी है, क्योंकि लंबी वीडियो बन जाती तो लंबी वीडियो में फिर इतना मज़ा नहीं आता देखने में, इसलिए ये मैंने बर्तनों वाली जो वीडियो है ये थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा कर दी है। वैसे तो बर्तन आप लोगों को पता ही है कितने आराम से साफ़ होते हैं, तो मैं ये जल्दी जल्दी अपने बर्तन धो के वॉश करके सूखने के लिए रख दूँगी। और ये मैंने जो दांतों वाली छोटी ब्रश ली है, जो कि हमारी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, डैमेज सी, तो उससे ना बर्तन के जैसे जो कानी वगैरह होती है उसमें कुछ हल्का फुल्का लग जाए, या लंच बॉक्स में सब्जी वगैरह रह जाती है, तो उसको करने में बहुत अच्छा काम करती है ये दांतों वाली ब्रश। तो देखो इसको है ना मैं बार बार यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये जो लंच के डिब्बे होते हैं, बॉक्स के, लंच बॉक्स के डिब्बे होते हैं, उनको साफ़ करने में अच्छी मदद होती है। वैसे बर्तन अच्छे साफ़ हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर जो कानी जो किनारी होती है ना वो करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ये मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं। तो बर्तन साफ़ होने के बाद भाई, जो कि हम किचन में स्लेब वगैरह होती हैं, टाइलें लगी होती हैं, उन पे भी छिट्टे लग जाते हैं, तो उनको भी अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, क्योंकि नहीं तो छिट्टे लगे हुए थोड़े से गंदे लगते हैं सूखने के बाद। तो ये डेली का ही काम होता है, रूटीन का, लेडीज का, जो कि हर लेडीज करती है, मैं कोई अलग नहीं करती। फिर भी आप लोगों को कोई कमी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। तो ये मेरे बर्तन हो गए हैं जल्दी जल्दी वॉश, क्योंकि बर्तन सुखाने भी हैं, फिर रैक में लगाने भी होते हैं। तो ये मैं फटाफट जो कि रसोई का स्लेप होता है उस पर वाइपर और कपड़ा मार देती हूँ। और ये अब आ जाती है मेरी बारी डस्टिंग और झाड़ू पोछे की। तो ये मैं सबसे पहले किचन से शुरुआत करती हूँ झाड़ू लगाने में, तो मैं ये यहाँ से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। ये है मेरे अचार का डिब्बा, जो कि मैंने अपनी भरनी को भर के रख लिया है, और अब इसको मैं पीछे रख दूँगी, क्योंकि हर रोज़ अचार यूज नहीं होता है, कभी कभार अचार यूज होता है। और जो भरनी में अचार निकालती हूँ तो उसमें ना हफ्ता 10 दिन आराम से निकल जाता है, हर रोज़ मुझे ये बड़े वाला डिब्बा उठाने की ज़रूरत नहीं होती है।
और इसमें मैंने कोई स्पीड नहीं बढ़ाई है, मैं बिल्कुल आराम से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि इन्हें मिट्टी वगैरह होती है तो वो बारीकी से साफ़ करनी होती है। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी में मिट्टी साफ़ हो जाती है, नहीं, झाड़ू बड़े ध्यान से लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर मिट्टी रहेगी तो फिर पोचा भी साफ़ भी नहीं लगेगा। अगर पोचा साफ नहीं लगेगा तो फिर फर्श थोड़ा सा गंदा रह जाएगा, मिट्टी मिट्टी रह जाएगी। तो ये मैंने झाड़ू लगा दी है, झाड़ू लगाने के बाद अब होगी है मेरे पोचे लगाने की तैयारी। और पोचा तो मैं देखो खुद ही लगाती हूँ, मैं स्टैंड वाला पोचा नहीं लगाती, वो बहुत कम यूज करती हूँ। स्टैंड वाले पोचे को तब यूज करती हूँ तब मेरी तबीयत ख़राब हो या मुझे कहीं आना जाना हो तो जल्दी पोचा लग जाए, वरना मैं बैठ के ही पोचा लगाती हूँ अपने हाथों से, क्योंकि बैठने के बाद हर कोने में अच्छी तरह से पोचा लग जाता है। और सबसे मेन बात यह होती है कि बैठकर पोचा लगाने में शरीर भी ठीक रहता है। कई लोग बोलते हैं कि हमसे बैठा नहीं जाता, तो नहीं भाई, कोशिश करके देखो तो बैठकर ही पोचा लगाना चाहिए। मैं तो देखो हमेशा बैठकर लगाती हूँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, मैंने कोई हेल्पर नहीं लगा रखी, तो इसलिए मैं सारा काम अपना खुद ही करती हूँ। और ये जैसे कि बैठ के पोचा लगाने से ना हर कोने में अच्छी तरह से लग जाता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ज़्यादा हर रोज़ लगाएंगे तो सफाई भी ज़्यादा रहती है, कभी कभार लगाएंगे तो उससे नहीं होएगी। तो खड़ा पोचा मैं जो स्टैंड वाला होता है वो बहुत कम यूज होता है मेरा, तो बैठकर ही पोचा ज़्यादा यूज करती हूँ मैं तो सारे घर में अपने आप ही। तो कई बार बोल भी देते हैं कि आप भाई झाड़ू पोछे वाली लगा लो, चलो टाइम आएगा लगा लेंगे, मन करेगा तब, अभी तो फ़िलहाल कोई मन नहीं है मेरा, तो मैं फटाफट अपना पोचा पूरा कर लेती हूँ। साथ के साथ जो डाइनिंग टेबल की स्टैंडिंग कुर्सी है या सोफ़ों के पास, तो वो सारा काम मैं अपने आप खुद ही करती हूँ। तो आप लोग जैसे कि देख ही रहे हैं, ये एक बार मैं गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ ये कंच की टेबल है जो, उसके बाद फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर दूंगी। तब तक ये जो इस पे कई बार बच्चे हैं कुछ भी लगा देते हैं टेबल पे तो वो गीला होने के बाद जल्दी उतर जाती है, तो ये मैं अपना ड्राइंग रूम में अब पोचा लगा रही हूँ। तो भाई आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ पूरे व्लॉग देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट है यहाँ तक मुझे आने में। तो ये देखो भाई, जैसे कई बार बैठ के नीचे कोने में कहीं कुछ रह जाए तो पोचा लगाए तो फिर मारने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो भाई अपना काम देखो मैं खुद ही करती हूँ, चाहे जो मर्जी कोई कुछ बोलता रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो ये मेरा पोचा अब जैसे पूरा तो नहीं, उसमें तो काफ़ी टाइम, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी जहाँ को मैंने पोचा लगाया। वैसे तो पूरा काम मुझे खुद ही करना होता है, और किचन में भी पोचा सबसे सामान को इधर उधर रख के सारा पोचा अपने आप लगाना होता है, क्योंकि जो हेल्पर होती है वो इतने ध्यान से पोचा नहीं लगाती, क्योंकि वो सिर्फ सामने सामने पोचा लगाती है, वो सामान को उठा के बहुत कम काम करती है। अगर ज़्यादा उसके सिर पे रहो तो वो सफाई से काम कर लेती है। तो अब देखो भाई, मैं तो अपना काम है ना सारा जो सामान है उसको आगे पीछे करके फिर पोचा लगा रही हूँ। तो साफ़ सफाई करना तो देखो एक बहुत ही अच्छा काम होता है, और ज़िंदगी में साफ़ सफाई के बगैर कोई काम नहीं पूरा होता। ये मैं फटाफट अपना पोचा लगा के सारा काम निपटा के मैं चली जाऊंगी अब नहाने के लिए, और ये मेरी बेटी सो के उठ के तैयार हो गई है, पूजा कर रही है, क्योंकि आज थी इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब तो ये स्कूल नहीं गई है, इसलिए ये पूजा करने में भी लेट हो गई है, वरना तो ये मॉर्निंग में ही स्कूल जाती है तो तब अपनी पूजा पाठ करके जाती है। बच्चों को भी थोड़ा सा आस्तिक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पूजा पाठ करेंगे तो बच्चे भी साथ में ही करते हैं, और बच्चों को ये सब हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू धर्म के लोग हैं तो हमें इस चीज़ की नॉलेज रखनी चाहिए। बच्चों को पूजा पाठ में साथ बिठाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कैसे पूजा करते हैं कैसे नहीं। तो ये मेरी गुड़िया भी हर रोज़ पूजा करती है मंदिर में, तो मैं चले जाती हूँ, और बच्चे भी वैसे भगवान का रूप ही होते हैं, तो ये अपनी घंटी वगैरह बजा के पूजा पाठ करके आराम से खाना पीना खा लेती है। तो मैं नहा के आ जाती हूँ अब पूजा करने, क्योंकि मुझे भी माथा टेकना होता है। तो भाई भगवान के सामने एक बार तो सभी अपना माथा शीश झुकाते हैं, तो मेरा भी वही रूटीन है, नहा धोने के बाद मैं अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ और बच्चे सुबह मॉर्निंग में कर लेते हैं। तो जिसको भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट शेयर और लाइक ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।